song, and I'll also sing my song, the original song, because we always believe in independent song, and when we have any independent song coming up, I feel really happy that we have to promote independent music. बरखा बहार करके श्रृंगार बाहों में आई सैया उड़ने लगी हूँ खिलने लगी हूँ आके थाम पैया। बरखा बहार करके श्रृंगार बाहों में आई सैया उड़ने लगी हूँ खिलने लगी हूँ आके थाम पैया। ओ रसिया मन बसिया रे है ओ रसिया मन बसिया। बरखा बहार करके श्रृंगार बाबों में आई सैया उड़ने लगी हूँ खिलने लगी हूँ आके थाम भैया। से सो आई टेल एवरी वन कि आप सब लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू रेटिविन म्यूजिक लेबल एंड जस्ट वेट फॉर द सीरीज। और रिबन के जो एमडी हैं हमारी अपनी कलीग हैं, फ्रेंड हैं कल्याण जी, आनंद जी के हम लोग दोनों स्टूडेंट हैं और उनकी कंपनी लॉन्च कर रही है अमृता सिंह जी शहीद हो गया ये तीन गाने और मैं इसको लॉन्च कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है और अरवानी फिल्म के अरवानी जी भी हैं यहाँ पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि अमृता सिंह जी और शहीद मल्ला तो ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश सिंगर है, बहुत पॉपुलर सिंगर हैं। अमृता सिंह जी भी इन्होंने तीन गाने किए हैं तो अभी हम वीडियो देखेंगे बात बताएंगे, लेकिन जरूर टैलेंटेड दोनों कलाकार हैं और गाने अच्छे बने होंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस इन तीनों गानों को, इन कलाकारों को, इस पूरी टीम को बहुत ज़्यादा प्रमोट करें और हमारा एक फ़र्ज़ है कि हम नए कलाकारों को इंकरेज करें। ये मेरी आवाज़ है जब मजाक में कहता हूँ कि गाया मैंने मिला उनको 32 साल पहले चुम्मा। तो एनीवे एक गाना जो कभी आज भी मैं यूएसए वगैरह जाता तो लोग बोलते हैं कि आपने नहीं अमित जी ने गाया, लेकिन सर मैंने गाया। अरे बहुत शौक है, देख रहे तो सही, चलो शुरू हो जाओ। 1 2 1 2 3 4 रूप तेरा सोना सोना सोने तेरी पायल झंझना छन ऐसे छनके कर दे सबको घायल। एक कह रहा खोखा काजल इश्क में जीना मरना एवरीबॉडी शावा शावा माहिया से शावा शावा। ये और मुझे ये पता चला कि ये अमृता सिंह जी जो है वो मशहूर और आज के पॉपुलर सिंगर अरिजीत सिंह जी की बहन है, कुछ कारणवश नहीं आ सकी लेकिन हम आ गए। और मैं थोड़ा लेट हुआ, हम ये नहीं बोलूँगा कि मुंबई के रास्तों की वजह से हुआ, आज उल्टा हुआ, रास्ते खाली थे, सिग्नल इजाज़त नहीं थी, 10-10 मिनट आराम से लेटे रहे थे। एनीवे ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। Series of music videos and it's a great effort by the full team and I'm so happy that now I'll be introducing each and every of you again. So Vicky ji, Vicky Advani, please aap taaliyan thodi bajaiye। मैं एक रिक्वेस्ट है ना, पर्सनली 3-4 दिन से मैम को कर रहा हूँ, मैं सबके सामने करूँगा।
जीजी बना के जीजी बोल के उन्होंने मेरे को पार्ले जी बनाया, किसी दिन ना मेरे को चाय में डुबा देंगे। आई वुड लाइक टू कॉल पीसी आर लीड हीरोइन अमर जी, अभिजीत सोनावने, शाहिद सर, अमृता इज मिसिंग परिचित नहीं है, सच एन अमेजिंग सिंगर, दे आर सो हैप्पी दैट इन रेड रिबन वी हैव योर नॉन फिल्मी फिल्मी सॉन्ग एंड सो नाइस कि आपके ऐसे गाने आते ही रहे, हम बहुत खुश है। एंड सुदेश जी the iconic singer with us today and it's so nice of him and humble and encouraging us and your blessings and support is so so required. Yes ji, humne badhaiyan di thi, shubhkamnaen di thi, ab video dekhne ke baad ek baar main sangeetkar dekho ji main jo ladke dhoond raha tha pehle बहुत अच्छा और शाहिद मल्या जी के बारे में कहना कुछ मुनासिब नहीं होगा, वो अगली बार के हीरो वो होंगे। मैं रुका हुआ था कि आपका वीडियो कब आ रहा है कब आ रहा, तो बोले बोले अगली बार वापस आना पड़ेगा। तो इन्हीं में पूरी टीम ने, इस नौजवान टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे लगता है ये गाना, और स्पेशली मैं डायरेक्टर साहब को और सिनेमाटोग्राफर जो भी होंगे, मतलब बहुत अच्छा काम किया। और मैंने उनको बोला जब फिल्म की आइडिया तो नहीं, तो बोले वो तो है, तो बहुत अच्छा हुआ। और सारे लोगों का स्पेशली आप तीनों बहुत अच्छे लग रहे हो, थैंक यू पर। और उम्मीद करते हैं कि ये तो एक वीडियो गाने का वीडियो है, बहुत जल्दी आपकी फिल्में भी आएँ, सुपर हिट हों। पूरी टीम को, अडवाणी जी को, रेड रिबन को, मुखिया जी को बहुत बहुत मुबारकबाद, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू, लाइक लाइक सो एक्साइटेड। जो गाना नहीं आया वो मैं आपको कैसे सुनाऊं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि बस आप इस गाने को प्यार दें ताकि 2.0 जल्दी रिलीज हो और आपके सामने। सर ने बहुत अच्छा काम किया और ललित जी की अरवानी साहब बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और अच्छे गाने बन रहे हैं, ये अच्छी बात है। खुद वो भी सुनी भी है ना, अपना म्यूजिक जानती है, तो एक अच्छा म्यूजिशियन अच्छे म्यूजिक को प्रमोट करता है। थैंकफुल हो सकता है कि मुझे चुना इस गाने के लिए, और जल्दी वो गाना आपके सामने होगा। तो जितू जैद और धीरज कुमार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भावी कंपोजर और लिरिसिस्ट हैं, उनकी सर शुभकामनाएं। सुदेश सर हमारे साथ में है, हमारे गुरु हैं, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है जीवन में, मेरे शुरुआती दिनों में। आज हमारे गाने को ब्लेस करना है तो मैं बहुत ही ज़्यादा अभिभूत। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू आप सबको, थैंक यू सर। एक लाइन सर, एक लाइन सर, एक लाइन सुन सकते कोई भी जो भी सुनिया 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 सर, वो गाना भी टीजर है तो मैं टीजर को रिवील नहीं करना चाहता। कुछ भी गा दीजिए, मैं बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता सारा। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता सारा, जरा आप बात करने देंगे तो वही सब लोग सुनेंगे। नमस्ते, थैंक यू आप सब आए, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू वर्क विथ विकी अडवाणी एंड वेरी वेरी सपोर्टिव एंड टैलेंटेड डायरेक्टर जयपाल सर, द फर्स्ट द डायरेक्टर ऑफ आवर फर्स्ट सॉन्ग, एंड देन माय को एक्टर इज अ वेरी नाइस एक्टर एंड अ वेरी वेरी good friend of mine. I'm very happy and thankful, and please bless us, give your love, support. Thank you for coming. Thank you. हाय, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आई होप कि आपको गाना भी उतना ही अच्छा लगा होगा। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा अडवाणी सर का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखा, और उससे पहले जय पारिक सर, जिन्होंने मुझे अडवाणी सर से इंट्रोड्यूस करवाया,
और उसके बाद ही मैं इस गाने से, इस ट्यून से जुड़ा। और जैसे जैसे मैंने ऑडियो सुना, मैंने सबसे बात किया फ़ोन पे सबसे पहले, फिर मैंने सर ने मुझे ऑडियो सुनाया, मुझे गाने से प्यार हुआ क्योंकि गाना लिखा बहुत अच्छा था और उसको इतना ही अच्छा गाया हुआ था। तो ऐसे गाने से जुड़ना हर एक आर्टिस्ट चाहता है, लेकिन ऐसे गाने सीरीज से जुड़ना शायद बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। तो मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे सर ने ये मौका दिया जिनके आवाज पर हमें परफॉर्म करने का मौका मिलता है। तो मैं एक छोटी जगह से आया हूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ऐसी आवाज़ के पीछे जो है मैं परफॉर्म कर पाता हूँ। तो सर मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा और आप सब जो है आप सबसे पहले मैं सबको थैंक यू कहूँगा कि आप यहाँ सब आए और ये गाने की मतलब इस गाने में मेरा एक छोटा सा किरदार है जो पूरा नेगेटिव, मेरे ख्याल से आपने देखा होगा उसमें पूरा नेगेटिव दिखता है, बट ये आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये कैरेक्टर क्या है। तो मैं सबसे पहले विकी अडवाणी माई देवा, अरे आई कॉल हिम देवा, इसो मैं उसको थैंक यू बोलूँगा बिकॉज बहुत लंबा ब्रेक था मेरा, मैं एक्टिंग में टाइम ले था, मैं काम नहीं कर रहा था, बट ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि मुझे ये करना है एंड उन्होंने मुझे मैं फेथ दिखाया, तो उसके लिए मैं उनका थैंक यू कहूँगा इस गाने के लिए मुझे। और आपने सैया से का टू जो वर्जिन देखा है उसका जो छोटा सा स्पीजर लॉन्च किया, तो उसमें मैं आपको उस गाने में मैं आपको दिखूँगा। इस गाने में मेरा छोटा किरदार है बट इतने बड़े मंच पे खड़ा होके, इतने मीडिया के सामने, इतने दिग्गज लोगों के सामने बात करना, तो आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेट, फीलिंग माई सेल्फ ग्रेट ओनली बिकॉज ऑफ विकी अडवाणी। थैंक यू डायरेक्ट माई डायरेक्टर, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझसे छोटा सा काम भी बहुत अच्छे तरीके से करके लिया। मेरे को स्टार्स है, पूजा है, अमरदीप है, उन दोनों ने भी मुझे बहुत हेल्प किया। और डायरेक्टर्स ये लिरिक्स जो अमरदीप है, तो इन सबको मैं थैंक यू कहूँगा और आप सबको कहूँगा कि प्लीज़ आप आइए, ये गाना देखिए, आपको एक बार पसंद आएगा तो ये सीरीज के साथ आप जुड़ जाएंगे। थैंक यू, नमस्ते। आप लोगों को कंपोजिशन अच्छा लगा आप लोगों? यस। मोस्टली मैं जब कंपोज करता हूँ पहले ट्यून करता हूँ, उसके बाद लिरिक्स लिखता हूँ, बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि लिरिक्स इतने अच्छे थे कि पहले मैंने लिरिक्स लिखा उसके बाद ये कंपोजिशन अपने आप लिखा है। इतने अच्छे लिरिक्स हैं, तो लिरिक्स की वजह से शायद इतना अच्छा कंपोजिशन मेरे मतलब मेरे से निकल गया है। जो आई एम श्योर सिर्फ ये नहीं, 2.0 ऑलरेडी हम ऑडियो कर चुके, आप लोगों को बहुत अच्छा लगे 2.0। एंड आई लाइक टू थैंक्स अमृता सिंह, उन्होंने इतना अच्छा गाया। और सेकंड सॉन्ग जो है शाहिद सर वो गाना भी आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। एंड मेरे सारे ऑडियो मेंबर्स, ऑडियो टीम को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा एंड स्पेशल थैंक्स टू चयन दे जिन्होंने लिरिक्स एंड मास्टर किया इस गाने को। तो थैंक यू एवरीबॉडी एंड आई एम श्योर 100% श्योर यू लव ऑल ऑफ दिस। और सबसे पहले अरमानी फिल्म्स का बहुत बहुत धन्यवाद, विकी सर का बहुत बहुत धन्यवाद, रेड लेबल का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद के लिए नाम जितने हैं उसमें मेरी बाइट खत्म हो जाएगी, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिकली मैं सबसे पहले ये सीरीज़ है इसके इनिशियल पार्ट से मैं आपको जोड़ना चाहूँगा कि सैया से पूछे रे नैना मैं रोऊं के ना, आओगे या ना आज रहना मैं सोऊं के ना। ये लाइन्स जो सर ने पहले बोला कि ये हमारी आर्टिस्ट है, ये थीम है, इस पर गाना चाहिए, तो ये लाइंस बहुत पहले से मेरे दिमाग में चल रही थी। और एक्चुअली ये हर एक मतलब भारत के अपने देश के हर एक नारी के दिल की बात है।
मुझे लगता है कि ये लाइन ऐसी है कि इससे कोई नहीं जुड़ सकता, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी ऐसी औरत हो, लड़की हो, जो इससे ना जुड़ती, जिसने अपने सैया का इंतजार ना किया हो। तो सैया से पूछे रहना ना, मैं रूम के ना, मैंने अपनी माँ को पापा का इंतजार करते देखा है महीने, तो वहाँ से कनेक्ट किया है। और बस आप लोगों से दुआ है, आप लोगों से प्रार्थना है कि ये देश की हर हर एक लड़की तक ये बात पहुँच जाए, क्योंकि ये उसके दिल की बात है, उसके अंदर की बात है। सैया से पूछे रहना ना, मैं रूम के ना। मैम ने भी बता दिया है अबाउट द एल्बम सीरीज एंड ऑल दैट, और ये जो कहानी चल रही थी मेरे पीछे जितने खड़े हैं, अडवाणी फिल्म्स, विकी अडवाणी, अडवाणी फिल्म्स, विकी अडवाणी, कोई नहीं, अगर ये ना होते तो यहाँ नाम अडवाणी फिल्म्स ना होते। तो दिस इज नॉट अ क्रेडिट टू मी, दिस इज अ क्रेडिट टू माय एंटायर टीम, एंड दैट इज आई एम थैंकफुल एंड ब्लेस्ड सो मच दैट आई हैव गॉट दिस टीम विद मी, एंड आई वुड लाइक टू कॉल सुनील सर, कबीर खान सेकंड सॉन्ग डायरेक्टर, उनका जो टीजर आपने देखा है। आई वॉन्ट टेक मच और वेरी शॉर्ट प्लीज। इतनी कहानी को हम लोग लेके चल रहे हैं फर्स्ट टाइम, अच्छी कहानी को गानों के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले आप सब कैसे हो? तो मैं रितु के पास, हमारा अभी एक गाना कर रहे हैं, बहुत जल्दी आप सुनोगे, तो रितु के पास गया था और उन्होंने सुनाया कि ये गाना आ रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और धीरज कुमार जी आपने बहुत ही कमाल लिखा है, इनके लिए जोरदार तालियां, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर के लिए बहुत ही टैलेंटेड रितु, बहुत ही टैलेंटेड। मैंने अभी एक गाना किया है, मेरा मन कर रहा है कि इनके साथ 100 गाने गाएं, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा कंपोजिशन, बहुत अच्छा।